यहाँ पर हम मेयर्स फॉर्मूला डिराइव करेंगे फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इक्वल्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अप्लाई करें तो हीट सप्लाई टू दिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल्टा क्यूपी को हम लिख सकते हैं एन सी पी डेल्टा टी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू को हमेशा लिख सकते हैं हम एन सी डेल्टा टी और वर्क डन बाय द सिस्टम आइसोबेरिक प्रोसेस में इसको हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी जो कि बराबर होगा एन आर डेल्टा टी के जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं इन वैल्यूज को फर्स्ट लॉ इक्वेशन में हम पुट करें तो इक्वेशन आएगा हमारा एन सी पी डेल्टा टी इक्वल्स एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी यहां से एन और डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन आएगा नेक्स्ट सी पी इक्वल्स सी वी प्लस आर जहां से हम लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल्स आर इसी को हम थर्मोडायनामिक्स में मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं एक और टर्म यूज करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स में एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा। बाय डेफिनेशन गामा इक्वल्स सी पी बाई सी वी अब Cp माइनस सी बी इक्वल्स आर ये एक इक्वेशन हो गया दूसरा इक्वेशन हुआ हमारा गामा इक्वल्स सीपी बाई सी इनको अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करें तो Cp की वैल्यू आएगी आर और गामा के टर्म्स में Cp इक्वल्स गामा आर ओवर गामा माइनस वन और Cv की वैल्यू आ जाएगी Cv इक्वल्स आर ओवर गामा माइनस वन अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम एडियाबेटिक एक्सपोनेंट गामा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी और सी वी की वैल्यू होती है आर ओवर गामा माइनस वन इसका मतलब डेल्टा यू हो गया आपका एन आर ओवर गामा माइनस वन डेल्टा टी मीन्स डेल्टा यू एक गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन अब अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो स्टेट वन पर हम लिख सकते हैं पी वन वी वन इक्वल्स एन आर टी वन और स्टेट टू पर हम लिख सकते हैं पी टू वी टू इक्वल्स एन आर टी टू इंटरनल एनर्जी एक्सप्रेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा यू हमारा आ जाएगा पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन Divided by gamma minus 1.